रिकॉल टेस्ट। पढ़ाए गए विषय पर अब एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। अपनी किताब को बंद कर लें और कॉपी को एक नए पेज पर खोल लें। स्क्रीन पर अभी कुछ सवाल दिखाए जाएंगे। इन सवालों के केवल उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यह एक क्लास टेस्ट है और आपको आपस में बातचीत नहीं करनी है। तैयार हो जाइए। चलिए अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल, ठोस की प्रकृति दृढ़ होती है, सही या गलत? दूसरा सवाल, डैश बहते नहीं हैं, ठोस, द्रव या गैस? तीसरा सवाल, डैश अवस्था में कण उच्च गति से चलते हैं, ठोस, द्रव या गैस? चौथा सवाल, पानी पदार्थ की डैश अवस्थाओं में पाया जाता है, एक, दो या तीन? पांचवा सवाल, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है, बढ़ या घट? समय समाप्त। हमें आशा है कि आपने सारे उत्तर लिख लिए होंगे। अपने सहपाठियों से अपनी कॉपियों की अदला बदली कर लें। अब सभी सवालों के उत्तर दिखाए जाएंगे। आपको अपने सहपाठी की कॉपी चेक करनी है। सही जवाब के लिए एक अंक दें, गलत जवाब के लिए 0 अंक दें और अंत में टोटल अंक लिख दें। पहला सवाल, ठोस की प्रकृति दृढ़ होती है, ये एक सही वाक्य है। दूसरा सवाल, ठोस बहते नहीं हैं। तीसरा सवाल, गैस अवस्था में कण उच्च गति से चलते हैं। चौथा सवाल, पानी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पांचवा सवाल, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इनमें से किसी भी सवाल में अगर आपको कोई संदेह हो तो अपना हाथ उठाएं। अपने सहपाठी से अपनी कॉपी वापस लेकर अपने अंक देख लें। टीचर के अंक पूछने पर अपना हाथ उठाएं।